प्रशांत सिंह के लिए जनसभा करने के लिए। प्रशांत जी अतरौलिया विधानसभा सहित हम आजमगढ़ की अनेक सीटों पे इस बार भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीत रहे हैं। ऐतिहासिक अंतर से भाजपा विजयी होगी। 10 तारीख कौन से पूछिएगा तब बताएंगे। अतरौलिया का जनता का दिल जीत रहे हैं। उन्होंने मन बना लिया है रावण का पद होगा और प्रशांत सिंह जीतेंगे। प्रकाश राजभर गाय पाटन का जवान जब्त हो जाए कुछ नहीं बात। पूरा परिवर्तन है, पूरे के पूरे हर बिरादरी हर जनता, मुसलमान भी वोट दे रहा है, वो भी बटन दबा रहा है, वो भी अनाज पा रहा, वो भी भोजन पा रहा है। जब मुसलमान बटन दबा तो हिंदू भी बटन दबा रहा है। जो रैली थी आज की, कैसा रहा ये रैली? जी रैली नहीं रेला था। जी जी जनता अपने जो लगावा हो रखे था माताओं बहनों में जी, सब समाज के लोगों में जी, शांत रहिए आप लोग। जी समाज के लोग आज रैली में आए थे जी, लोगों ने आशीर्वाद दिया है और आपको स्वयं आंख लेना चाहिए जी। इस दीदारगंज में कभी खेलने जा रहा है जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी शांत रहिए। जिस तरह से टेंट छोटा पड़ गया, इस पर क्या कहेंगे? छोटा पड़ गया जी, जबकि 7-8 हज़ार कुर्सियाँ लगी थी जी, लेकिन वो कुर्सियाँ भी बहुत कम पड़ गई जी। नेताजी चुनाव में आपके मुद्दे क्या है? संख्या 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार चारों तरफ कितने लोग बाजार में चले गए धूप के चक्कर में, कितने लोग खड़े नहीं हो पाए। आया तो साना लोगों ने जनसभा में रैली नहीं रेला था सर, शिक्षक मेला था सर। जिस तरह से मीडिया कर्मियों को यहाँ की प्रशासन ने रोक दिया कि मीडिया कर्मी कवरेज नहीं करेंगे, जो यहाँ की लोकल मीडिया थी उनको रोक दिया गया कि कोई भी फोटो नहीं खींचेगा, नहीं खींचने दिया गया सर। सर आप लोग मीडिया वालों को निकाल दिया, प्रशासन ने उनको बाहर बगल में वो भी नहीं जाने के सामने सारी प्रक्रिया हो रही है। मीडिया वालों ने ये बड़े-बड़े छवि लोगों को हटाया गया वहां से, बंद के सामने से सभी लोग। अगर आप लोग जरा सा इशारा करते तो मैं ऐसा नहीं होने देता जी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन आपका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा सर? प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है जी, इससे प्रशासन के बारे में कुछ नहीं कहता जी। जी चुनाव आयोग का जो निर्देश होता है जी जी। तो यहाँ क्या लहर है? लहर अरे लहर आप देखे नहीं अपने हमारा मंडल मीडिया प्रभारी मार्केटिंग में मंडल मीडिया प्रभारी भाजपा भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा और हमेशा विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। अच्छा मुद्दों के चुनाव पर लड़ती रही है लड़ती रहेगी। अगर देखा जाए कि लगभग 7 सालों से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मगर अभी तक विकास का जो मामला रहा या रोजगार देने का मामला रहा, अभी रोजगार भी युवा काफ़ी नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से और बेरोजगारी चरम पर है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए हमेशा एक साथ बेरोजगारी ख़त्म नहीं की जा सकती और सरकार हमारी हमेशा लगी हुई है कि युवाओं के बारे में सोच रही है और हमेशा वैकेंसी पे वैकेंसी चाहे जहाँ पर निकले वैकेंसी निकाली जा रही है। एक साथ सब युवा तो सेट नहीं हो सकते, लेकिन जो ठीक ठाक युवा हैं पढ़ने में अच्छे हैं उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। कहने का मतलब जो योग्य हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है जी। अभी हाल ही में इलाहाबाद में युवाओं के साथ आप भी एक युवा हैं, युवाओं पर लाठीचार्ज की गई थी, पुलिस वाले घर से उन्हें रूम से निकाल के काफ़ी बहुत बुरी तरह से उनको पीटा था, क्या कहेंगे आप युवाओं को? सर देखिए उसमें हम युवा हैं जरूर, लेकिन उसमें कुछ कहीं ना कहीं युवाओं का भी गलती है। क्या क्या गलती? देखिए उन लोगों ने वो जो उस पर लगाया था आरोप वो सरासर गलत था और उसके बाद उन लोगों ने प्रशासन से अभद्रता से पेश आया। देखिए प्रशासन हो या कोई भी सरकारी दफ्तर, हमें बातचीत से उस मैटर को सुलझाना चाहिए जी। अभी आपने देखा आप मंडल मीडिया प्रभारी भी हैं, पत्रकारों के साथ इसी मंच के सामने उनके साथ मतलब कहा गया कि फ़ोटो मत खींचिए, अंदर मत आइए, दूर जाइए आप लोग। देखिए सर इस समय चुनाव चल रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं और प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है और ये बात विश्वकर्मा जी के कानों तक नहीं पहुंची, नहीं तो तुरंत उस पर एक्शन लिए होते। हालांकि भी पता चला हम लोगों को, हमने कहा कि और नेताजी से मैंने बताया तो नेताजी ने कहे कि भाई हमको पहले थोड़ा बताना चाहिए, एक्चुअली प्रशासन है उनके मुँह, चूँकि उस समय डिप्टी सी एम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी आ चुके थे, उस समय वहाँ तक पहुँचना
थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनकी सुरक्षा को नज़र में रखते हुए वहाँ हर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था। जैसे आजमगढ़ की जो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ विधानसभा 10 विधानसभा में कितनी सीटें निकाल सकती है? सर इस बार तो हम लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ विधानसभा में 10 विधानसभा में 10 विधानसभा जीतने का काम करेगी। खास करके दीदारगंज की यहाँ की जो जनवादी है, जो यहाँ के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए दीदारगंज की जनता ने ठान लिया है इस बार डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी को विधानसभा पहुँचाना है। वो आपने आज जो रैली नहीं देख ही रहे थे कि बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ी, जबकि 8-10 हज़ार कुर्सियां आई थी और टेंट जहां तक लगे थे आपने देखा ही, कुछ आप लोगों से छुपा नहीं है क्योंकि आप पत्रकार बंधु हैं। और उसके साथ साथ इस बार दीदारगंज की जनता ने ठान लिया, पूरा मूड बना लिया है कि इस बार डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी को विधानसभा पहुँचाना है। और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने आप लोगों के समक्ष ये कहा है कि मैं दीदारगंज को विधानसभा को गोद ले रहा हूँ और गोद लेने का काम करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी, वो भी दीदारगंज पे विशेष नज़र है और यदि प्रभु की कृपा हुई दीदारगंज विधानसभा निकलेगी ही हर हाल में, और इस बार दीदारगंज का विकास जो 25 सालों में नहीं हुआ 5 साल में करके डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी दिखाएंगे। ठीक है।